हेलो गाइस, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। आज हम कामरान ज्वेलर्स पर आए हैं आपको बिज़नेस सिखाने के, गोल्ड का कारोबार कैसे होता है। और हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, उन्होंने हमें मौका दिया, तो हमने कहा क्यों ना हम अपने व्यूवर्स को बताएं कि बिज़नेस इन्होंने किस तरह स्टार्ट किया था, और इनके बारे में पूछेंगे कि और क्या क्या करते हैं यहाँ, कैसे किस तरह टाइमिंग देते हैं, और इस बिज़नेस की क्या सूरत हाल है, कितना टाइम देना पड़ता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट अगर वो बताना चाहें तो वो भी पूछेंगे, ताकि सुनने वाला अगर कोई हमारा नया व्यूअर जिसने गोल्ड का बिज़नेस करना हो तो वो अगर करना चाह रहा हो तो फिर उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं कामरान भाई, क्या हाल है? अल्लाह का एहसान, आप ठीक हैं सर? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? अल्लाह का बड़ा एहसान है। कैसा कारोबार जा रहा है? कारोबार फर्स्ट क्लास, अल्लाह का एहसान है। और आप इसके ये कारोबार करने के लिए आपको कितना, मतलब टाइम आप कितना देते हैं? सर इसकी टाइमिंग, इससे पहले तो सबसे पहले इस काम को समझना और सीखना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ही बारीकी और बहुत ही ख़तरनाक काम है। अगर आप थोड़ी सी भी भूल चूक करते हैं तो आपको इसमें बहुत बड़ा नुकसान आता है, क्योंकि कारोबार ये हज़ारों का नहीं है, लाखों का कारोबार है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले परखना ज़रूरी है। नहीं तो आप ये तय कब से कर रहे हैं? सर ये मैंने सन 2011 से इस फील्ड में हूँ, ज्वेलरी की फील्ड। तो आपने पहले ये सीखा था? जी सीखा था मैं। तो फिर उसके बाद खुद अपने शॉप? जी जी बिल्कुल। तो मतलब अगर कोई किसी ने अगर करना हो तो वो पहले सीखे? बिल्कुल सीखना चाहिए उसको पहले। अच्छा, पहले सीखे फिर इस काम में? जी जी बिल्कुल। इस काम में मतलब मज़ा है, फ़ायदा है? सर फ़ायदा तो हर काम में है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या काम करते हैं? सर मेरा इसका पार्ट टाइम बिज़नेस था पहले पोल्ट्री फार्म का, वो मैंने अभी छोड़ा है। तो अब मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इंशाल्लाह वो गोट फार्म है। पोल्ट्री फार्म वाले में क्या हुआ आप? सर वो थोड़ा जैसे कहते हैं पहले काम को परखो फिर वो काम करना चाहिए। अच्छा। मैंने वो काम परखा नहीं, बस लोगों की सुनी सुनाई बातों पर किया। अच्छा। तो उसमें मुझे मज़ा नहीं आया। गर्मी में मुर्गियाँ मर गई बस ऐसे ही समझें कि कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। कारोबार जो जिस जहाँ से रोजी आनी होती है ना, नसीब वाली बिल है, वहीं से? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। तो ये सिस्टम भी आपका, टाइमिंग का क्या सीन है यहाँ पे? हाँ सर ये मार्केट के लिहाज से होता है, सुबह हम 10 बजे आते हैं और शाम को तकरीबन 6:30 बजे तक रहते हैं, सर्दियों की टाइमिंग है। और गर्मियों में हमारी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर 7:30 बजे तक। कोई आपसे रब्ता करना चाहे आप अपना नंबर बता दें ऑन कैमरा स्क्रीन? हाँ सर बिल्कुल ऐसे, हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 0333039962 हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, जो व्हाट्सएप पर भी है। थोड़ा सुकून से बताएं ताकि सुन। 0333039962 ये हमारा, ये हम स्क्रीन पे भी चला देंगे, इनकी एडवर्टाइजमेंट भी आपको दिखाएंगे, इनका कार्ड भी स्कैन हो जाएगा। तो जो बंदा इनसे रब्ता करना चाहे, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन करना चाहे, काम को समझने के हवाले से या रेट पूछने के हवाले से या फिर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, क्योंकि शॉप खोल के बैठे हैं ना तो वो बिज़नेस कर रहे हैं, तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हो, कोई गोल्ड लेना चाह रहा हो, कोई सेल करना चाह रहा हो, परचेज करना चाह रहा हो, तो वो इस तरह आके जो है ना, इस तरह से वो आके इनसे फ़ोन नंबर पर रब्ता कर ले। तो एड्रेस है ये, इसको क्या कहते हैं बाज़ार? सर ये हमारा जेठा बूठा सराफा बाज़ार खानपुर है। जेठा बूठा सराफा बाज़ार खानपुर। अच्छा अच्छा, आप सोशल मीडिया पर भी हैं कोई सियासत में आप? जी बस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरा सियासी ताल्लुक है। अच्छा, उसमें आपका क्या है? सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फ़िलहाल तो इस टाइम तहसील प्रेसिडेंट भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त मौजूदा हुकूमत में डिविजनल प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स बहावलपुर, तो नोटिफिकेशन अभी हुए हमारे। बड़े बड़े नोटिफिकेशन हैं। जी जी, मतलब आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगे अगर कोई ये बिज़नेस करना चाह रहा है? आजकल के हालात तो मतलब बिज़नेस के डामाडोल है। बिल्कुल ऐसे, लेकिन फिर भी क्या रिकमेंड करना चाहेंगे, पहले सीख क्या है बंदा? सर ये ज्वेलरी के बिज़नेस ऐसा है गोल्ड का जिसके अंदर एक्सपीरियंस बहुत चाहिए आपको। मैंने तकरीबन 5 साल ये एक्सपीरियंस लिया था, मतलब 5 साल मैंने अपने उस्ताद साहब के पास काम सीखा था। पहले चाचू थे मेरे, उस्ताद भी हैं, चाचू भी हैं, तकरीबन 3 साल मैंने उनके पास काम किया, फिर 2 साल अपने एक और उस्ताद उनके पास काम किया था। यार ये चाय जो है ना, ये भाई पिला रहे हैं, मेरी आंखें सूजी हुई हैं, नींद मेरी पूरी नहीं है, इस वजह से मैंने आते ही कहा मैंने चाय ले आओ। तो चाय साथ साथ पी रहे हैं, आपको भाई का इंटरव्यू मिल रहा है। और भाई क्या क्या करते हैं? जिम्मेदारा भी आपने बताया जी? बिल्कुल, जिम्मेदारा भी है हमारा। अच्छा। 197 बरनैल में, तो वहाँ पर जिम्मेदारा भी है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही, जिम्मेदारा है उधर 197 बरनैल।
तो आपने हमें यूट्यूब पर देखा और रोज देखते हैं हमारी सर, मैंने आपका जब चैनल आपने बनाया हेल्पिंग चैनल, तो मैंने पहले दिन ही आपकी मैंने यूट्यूब ओपन की तो आपका आ गया, मैंने पहले दिन सब्सक्राइब किया क्योंकि एक बहुत अच्छा चैनल है, इससे लोगों को काफ़ी हेल्प मिलती है कि वो अपना छोटे बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, जो जिनके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है वो छोटे इन्वेस्टमेंट से अपना कारोबार रनिंग में ले गए। तो मिनिमम गोल्ड के कारोबार में कितनी की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है कि यार ये कारोबार शुरू किया जाए? सर ये तो एक समंदर है, समंदर को कोई गहराई नापी नहीं जाती, लेकिन मिनिमम 10 लाख हो जिससे बिजनेस 20 लाख से एक बंदा रनिंग में ला सकता है। आज का क्या रेट है? आज जो रेट चल रहा है वो 85,500 चल रहा है आज का। गोल्ड के कारोबार में छक्के कब लगते हैं? छक्के ये नसीब की बात होती है, छक्का कभी कभी ही लगा करते हैं जब रेट अप हो जाए, लेकिन ये गोल्ड पड़ा हो पुराने रेट पे, हाँ जी पुराने रेट पे पड़ा हो और रेट अप हो जाए वो छक्का लग जाता है, लेकिन वो भी तब लगेगा ना जब कस्टमर आएगा। नहीं कस्टमर ये ऊपर सेल आउट हुआ ऐसे है कि ऊपर की मंडी में हो जाता है। अच्छा हाँ जी, ऊपर की मंडी में सेल आउट होगी आप लेते हैं, हाँ उधर ही सेल हो जाता है, आप जितना चाहें सेल कर सकते हैं इस टाइम। सही। और आप हमारे बारे में कुछ कहना चाहें? देखिए जी, नुमान भाई ने खानपुर में बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है, जो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने खानपुर में अवेयरनेस लेके आ रहे हैं कि सोशल मीडिया को किस तरह यूज़ किया जाए और ख़ुद को किस तरह इंट्रोड्यूस कराया जाए, और सोशल मीडिया ही इस वक्त है जो अपने बिज़नेस को ज़्यादा इम्प्रूव करने का सबसे आसान तरीका है, और मैं खानपुर में नुमान भाई को अप्रिशिएट करता हूँ जिन्होंने ये स्टेप लिया है। थैंक यू वेरी मच, बड़े बड़े बंदे हैं। अच्छा जी, तमाम देखने वालों का शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ बहुत सारी चीज़ें आपको आज पता लगी होंगी, और कामरान भाई की तरफ से और मेरी तरफ से।